भाई पार्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो उनका, मतलब एक फंक्शन एफ एक्स है उसको मल्टीप्लाई किया गया जी एस के साथ, तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। तो उसके लिए एक रूल बनाया गया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और किसी दूसरे फंक्शन को हम सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। अब ये कैसे सेलेक्ट करते हैं इसकी अभी थ्योरी बाद में आएगी, बट इसके हिसाब से लेते हैं। और रूल ये कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रख दो और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, फिर माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना, और इनटू सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में, समझे। तो इसमें पहला तो हर्डल ये हो गया कि आप किसी एक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, किसी एक को सेकेंड लेंगे, और इसके बाद ये वाला रूल लगा देंगे, क्या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके उस पूरे का इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ में आ रही है, ये रूल होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट फंक्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड आईलेट रूल, ILAT। इसी प्रायोरिटी में हम अपना फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब हो गया लॉग फंक्शन, ए का मतलब हो गया एलजेब्रिक फंक्शन, हो गया टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी ऑर्डर के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसी प्रायोरिटी के हिसाब से। अब जैसा जो फंक्शन होगा, अगर मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉग फंक्शन दोनों है, तो आप इनवर्स वाले को फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो लॉग वाला ऑटोमेटिकली सेकेंड हो जाएगा। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले प्रायोरिटी में आएगा, तो उसको आप फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, तो अलजेब्रिक फंक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन के रूप में सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर सीधा ये वाला रूल लगा के आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेकेंड फंक्शन होता है वो इंटीग्रेट हो रहा होता है, तो इसका मतलब इन दोनों में से, अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन अभी बात समझेंगे, इन दोनों फंक्शन में से सेकेंड फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन से आसान है, और इंटीग्रेशन करने के बाद टर्म्स की वैल्यू या उसकी पावर में इंक्रीमेंट ना हो रहा हो, ठीक है ना। ये भी एक तरीका जज करने का होता है, बट आईलेट रूल तो एक स्टैंडर्ड रूल है, इसके हिसाब से आप फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो बचा हुआ दूसरा फंक्शन साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, और फिर सीधा ये रूल लगा के आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर इसी चीज को हम एग्जांपल वाइज देखना स्टार्ट करें, जैसे मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स या एक्स इंटू एल एन एक्स का, सही है ना। तो अब इसके हिसाब से देखो, तो ये हो गया एलजेब्रिक फंक्शन और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक और एलजेब्रिक में फर्स्ट फंक्शन किसको सेलेक्ट करेंगे बताइए, लॉगरिथमिक को, तो एलजेब्रिक फंक्शन तुरंत क्या हो जाएगा सेकेंड। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो और सेकेंड को इंटीग्रेट कर दो, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, तो ये आ गया एल एन एक्स, और एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स बाई टू माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। अब एक्स डी एक्स को तो हम आराम से इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस, ये आपका आंसर आ गया। देखा क्या भाई,
जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना हो x इंटू टेन इनवर्स x dx को, ठीक है, तो आइलेट रूल के हिसाब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा पहले, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे, तो अल्जेब्रिक फंक्शन तुरंत क्या हो गया सेकेंड, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। अब रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को आप क्या करेंगे इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे और फिर पूरे को इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस 1/2 कॉमन, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx आएगा। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए वही 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई टू माइनस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग आ जाएगा, और प्लस 1/2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग आ जाएगा। अब पूरा इंटीग्रेट हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई टू, ये आ गया माइनस 1/2 एक्स, और ये आ गया प्लस का 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ये बताओ क्लियर यस हुआ सर, है? ये यस सर, आप अब कई बार, मतलब ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो आइलेट रूल के हिसाब से ई सबसे आखिरी में आएगा, उससे पहले ए आएगा, तो इसको आप क्या लेंगे फर्स्ट, इसको आप क्या लेंगे सेकेंड, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकेंड, तब रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड को इंटीग्रेट कर दो, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट सेकेंड को इंटीग्रेट इंटू डी एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स आ गया, फिर से इसमें बाई पार्ट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड को इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट सेकेंड को इंटीग्रेट इंटू डी एक्स कर देंगे, तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस टू। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अच्छा जैसे मान लीजिए आपको एल एन एक्स को इंटीग्रेट करना, अब यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है दूसरा है ही नहीं, तो इस टाइप की सिचुएशन को डील करने के लिए हम इसमें दूसरा फंक्शन एक्स की पावर 0 इंटू एल एन एक्स ले लेते हैं, और अब हम इसमें बाई पार्ट लगा लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये अलजेब्रिक हो गया और ये हो गया लॉगरिथमिक, तो आइलेट रूल के हिसाब से इसको हम क्या लेंगे फर्स्ट, तो ये वाला क्या हो जाएगा सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड को क्या करेंगे इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट सेकेंड को इंटीग्रेट इंटू डी एक्स कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। सही है ना, तो कई बार ये इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज एल एन एक्स, ये होता है एक्स एल एन एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये वाला आप एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। सही ना, जैसे हमें सॉल्व करना हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर भी एक्स भाई एक ही फंक्शन है दूसरा है ही नहीं, तो वही सेम अलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर 0 कांस्टेंट करके जनरेट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स आ गया, तब ये क्या हो जाएगा आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकेंड, अब सिंप्लीफाई कर दो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड को क्या करोगे इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट को क्या कर दिया डिफरेंशिएट और सेकेंड को क्या कर दिया इंटीग्रेट इंटू डी एक्स, दिख रहा है कि नहीं भाई? तो ये क्या आ गया एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है ना, अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करना है, तो इसको अलग से ही सॉल्व करके वैल्यू रख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ले लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ये क्या मान लो टी, तो यहाँ से एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस डी टी बाई टू, तो माइनस 1/2 डी टी बाई रूट टी आ जाएगा, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 1/2 रूट टी आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना जवाब दो भाई, और यस एक सर, टू और आएगा, एक टू और आएगा ना 1/2 से, एक टू और आएगा, टू टू कैंसिल, तो क्या ये माइनस रूट टी आएगा, चेक करिए जरा। सही ना, और रूट टी को ये आप क्या लिख देंगे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही इंटीग्रेशन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स
प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सी। तो ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का, अगर याद रख पा रहे हैं तो। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस सी। यहीं पे अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो किसका, टेन इनवर्स एक्स का, तो इसको भी उसी तरीके सॉल्व करोगे कि नहीं बताओ भाई। इसमें भी वही एक्स की पावर 0 × 10 इनवर्स x लिख लोगे, सही है ना। और इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। आप वही बाई पार्ट लगा दो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस फर्स्ट को क्या करेंगे इंटीग्रेट, सेकंड को क्या करेंगे डिफरेंशिएट इंटू dx आ गया। तो ये क्या आ जाएगा x इंटू टेन इनवर्स x आ गया और माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब यहीं पे 1/2 और ये 2 कर लो तो इसको t मानेंगे, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या ये x इंटू टेन इनवर्स x, ये ln t आ जाएगा, तो -1/2 ln मॉड ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी इंटीग्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स -ln√1 प्लस x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। तो ये भी आप रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो, दैट इज टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स -ln√1 प्लस x स्क्वायर प्लस सी। तो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट कैसे करते हैं, बोलो भाई। इतने क्वेश्चन के हिसाब से आपको एक आइडिया लगा होगा कि बाई पार्ट ये वाला फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख देंगे, सेकंड को क्या करेंगे इंटीग्रेट, माइनस फर्स्ट को क्या करेंगे डिफरेंशिएट, सेकंड को क्या करेंगे इंटीग्रेट इंटू डी, यही तो करेंगे। तो ये हो जाएगा x² × ln 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाई 2 − 1/2 x² upon 1 प्लस x into dx। देखिए ध्यान से क्या यही आ रहा है। यस सर। अब ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ना, x² × ln 1 प्लस x/2। अब या तो इसमें 1 प्लस x को t मान के सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर इसमें 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 प्लस x कैंसिल करके सीधा इंटीग्रेशन कर दो। ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ। तो x² × ln 1 प्लस x/2 कर लो, -1/2 x + 1 x - 1 कर दो, तो ये शायद क्या बचेगा, x - 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 1 प्लस x तो कैंसिल हो जाएगा और -1/2 dx/1 प्लस x आ जाएगा। अब सारा इंटीग्रेशन आराम से सॉल्व हो रहा है, x² × ln 1 प्लस x/2 तो यही आ जाएगा, -x²/4 प्लस x/2 और -1/2 ln 1 प्लस x प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। देखिए समझ में आया कि नहीं भाई। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है ना, फिर माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x हो जाएगा क्या, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -cos x into dx आएगा। तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा -x² × cos x + 2 x cos x into dx। तो इसमें फिर से बाई पार्ट लगा देंगे है ना, तो -x² × cos x प्लस ये क्या आ जाएगा 2। अब इसको फिर से फर्स्ट ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इस बार इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, फिर -2 × sin x dx। तो फिर पूरा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे, तो x² × cos x और ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा प्लस 2x
साइन एक्स माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू कॉस एक्स प्लस सी। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है सबका? समझ में यस आ रहा होगा, इसमें सबसे पहले क्या किया होगा, एक्स की पावर 0 मल्टीप्लाई कर लिया होगा और सेकंड इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स कर लिया होगा। अब आपने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया होगा तो इसके हिसाब से ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड को आपने इंटीग्रेट किया होगा है ना, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x रूट अंडर x² - 1, फिर इसको इंटीग्रेट डीएक्स कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इंटू सेकेंड इनवर्स एक्स माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, dx/√x² - 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये अच्छा तो आपने इंटीग्रेशन किया है ना, ये वाला √x² - 1 क्या होता है, ln mod x प्लस √x² - 1 प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। देखिए भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, है सर, ना। अब इन इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं, किसको, √x² + a² को, √x² - a² को, या √a² पहला वाला ले रहे हैं, √x² + a² को। तो इसको पहले तो सिंपलीफाई करके लिखने के लिए हम लिखेंगे x^0 √x² + a², हाँ है ना। अच्छा अब देखने में दोनों एलजेब्रिक टर्म लग रहे हैं कि नहीं, बट सोच के बताओ दोनों में आसान इंटीग्रेशन किसका है। जीरो एक्स ऑब्वियसली इसी का का इंटीग्रेशन आसान है कि नहीं। अच्छा जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है वो सेकंड फंक्शन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको सेकंड ले लो और इसको फर्स्ट ले लो। सोचो अगर हम इसी को फर्स्ट ले लेते सेकंड ले लेते तो कोई मतलब बनता, क्योंकि तो इसी का तो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, और अगर हम इसी का इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं तो इसको सेकंड लेने का कोई सेंस है, ये बताओ, नहीं है ना। ओके आप बताओ, सर आप इसमें इंटीग्रेशन लगाओ तो क्या आएगा बताओ जरा। एक्स तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दो, ठीक है ना। सेकंड को क्या करो, एक्स, फिर माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो तो आएगा 2x/√x² + a² साथ में क्या आएगा, एक्स इंटू डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब ये बनेगा x√x² + a² माइनस यहाँ पे आएगा x² / √x² + a² इंटू डी एक्स। तो इसको एडजस्टमेंट के साथ दिख रहा है ना कि इसमें हम a² ऐड और a² सबट्रैक्ट कर सकते हैं, आया ना। तो इसी इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं x√√x² + a² - x² + a² - a² / √x² + a² (dx). तो यही वाला इंटीग्रेशन क्या हो गया, x√x² + a² - यहाँ से ब्रेक होके आ गया dx/√x² + a² + a² और उसके साथ क्या आ गया बताओ जरा। ये वाला इंटीग्रेशन आ गया तो यहाँ पे √x² + a² (dx) और ये आ गया dx/√x² + a² ठीक है। तो यही वाला इंटीग्रेशन तो हम सिंपलीफाई कर रहे थे, तो यही वाला इंटीग्रेशन क्या बन गया, आई ये उठ के इधर आ गया तो बन गया 2i, 2i इज इक्वल टू x√√x² + a² + a² dx/√x² + a² ये वाला इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, तो x/√x² + a² + a²/2 ln mod x/√x² + a² मॉड प्लस सी। समझ गए कि नहीं भाई, ये बताओ। तो यही आई की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये इसका इंटीग्रेशन आया कि नहीं, √x² + a² (dx) का, दैट इज x/√x² + a² + a² / 2 ln mod x/√x² + a² + सम कांस्टेंट सी। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, प्रोसेस समझ में आया कि नहीं ये बताओ। बोलिए भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स नॉट ले लिया, इसको फर्स्ट ले लिया और इसको क्या ले लिया सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड को इंटीग्रेट किया, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, इसमें a² ऐड a² सबट्रैक्ट किया तो वहाँ पे वही वाला इंटीग्रेशन बन गया, इसको उठा के इधर ले आए तो ये 2i आ गया और इसको ही
दो पार्ट में ब्रेक करके हमने सिंपलीफाई कर दिया, बाकी सारे नॉन इंटीग्रेशन आ गए, उसका सिंपलीफाई करके आंसर लीजिए। क्या ये बात सबको दिखी? बोलो भाई। यस सर यही सेम तरीके से हमें सॉल्व करना होता रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को। सोचो भाई, तो सेम अप्रोच लेते कि नहीं लेते इसमें भी? बोलो भाई क्या करते हैं? एक्स नॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स करते। अब इसको हम क्या मान लेते फर्स्ट, और इसको क्या ले लेते सेकंड। तो वही सेम अप्रोच, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फर्स्ट को अब जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक एक्स ऑलरेडी आ जाता, इसमें वही ए स्क्वायर एड और ए स्क्वायर सबट्रैक्ट कर लेते। बोलो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इसमें ए स्क्वायर माइनस करते तो ये बन जाता रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, और जब ए स्क्वायर ऐड करते तो अलग हो जाता, और ये बन जाता डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फिर से आई बन जाता, यहाँ पे फिर से 2i आ जाता, और एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता, 2 से डिवाइड कर देते तो अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाता, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। दिखा क्या भाई, समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये सेकंड आ जाता है। अच्छा यहीं पे लास्ट वाला अगर देखो, हमें सॉल्व करना होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको भी तो इसी तरीके से करेंगे ना, बताओ क्या करेंगे बताइए। सेम लॉजिक इसमें भी लगा देते हैं, वही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला, तो क्या होगा बोलू? वही एक्स नॉट रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दो, फिर बाई पार्ट लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये शायद आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में एक एक्स इंटू डी एक्स, फिर से वही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड सबट्रैक्ट कर दो, तो अब ये बन जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आई हो गया, यहाँ से ये 2i आ गया, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहीं से ये इंटीग्रेशन आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का, दैट इज एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। देखा क्या भाई, बाई पार्ट लगा के सेम उसी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिए, तो तीनों इंटीग्रेशन समझ में आए कि नहीं? अब यार ये तो फॉर्मूले इतने बड़े हैं, इनको हम दिमाग में कैसे रखेंगे? अब दिमाग में रखने का तरीका ये रहा, देखिए हम जिस इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं वो क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, या फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, या फिर वो रूट अंडर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से तीनों फॉर्मूले कैसे रिकॉल करने हैं। सबसे पहले एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू तो सब में आएगा, तो जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ तक ओके है? एक्स बाई टू इंटू जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो लिख लो। अच्छा फिर ए स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू लिख लो, अगर ए स्क्वायर निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू लिख लो, ए स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू लिख लो। इसके बाद यही अगर रेसिप्रोकल में होता तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो लिख दो, दैट इज एल एन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल में होता तो इसका इंटीग्रेशन आता एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रेसिप्रोकल में होता तो इंटीग्रेशन आता साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी प्लस सी प्लस सी। क्या याद रखने की टेक्निक समझ में आई सबको? बताओ। यस सर।
याद रखने की टेक्निक क्लियर हुई इतने बड़े इंटीग्रेशन को कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बाई टू इंटू जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो लिख लेंगे, सही है ना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर बाई टू लगा लेंगे, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। और फिर जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी का रेसिप्रोकल करके जो इंटीग्रेशन आता है, तो हमें रिजल्ट पता है ना रेसिप्रोकल करके क्या इंटीग्रेशन आता है, वो लगा के सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देख लीजिए भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलिएगा। ओके है यहाँ तक भाई, बताओ समझ यस में आया कि नहीं भाई, क्या कैसे ये फॉर्मूले याद रखने, ये बात सबको क्लियर हो रही है? बोलो भाई। अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला रिजल्ट है, तो एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब ये कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है? ए स्क्वायर निगेटिव है तो इसका मतलब -25/2, और एल एन मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25+3। कैसे लिखा है फॉर्मूला, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। यस सर, अच्छा यस यस यहीं पे सर, इंटीग्रेशन आ जाता रूट अंडर 4x² + 25, तो क्या करते? अब x की जगह क्या आ गया, 2x आ गया ना, तो सबसे पहले तो एक 1/2 से डिवाइड हो जाता पूरा इंटीग्रेशन 2x की वजह से, और हर बार x की जगह अब क्या लिखेंगे, 2x, तो 2x/2 रूट अंडर 4x² - 25। ओके है भाई। फिर ए स्क्वायर के हिसाब से, फिर ए स्क्वायर के हिसाब से प्लस 25/2, और एल एन मॉड एक्स की जगह हमें क्या लिखना है हर बार, 2x + √ 4x² + 25 + some constant c। समझ गए कि नहीं भाई? बाद में चाहो तो इसी को सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। तो एक्स बाई टू तो वहाँ फोर एक्स अंडर, स्क्वायर प्लस हाँ 25 होगा ना। रूट अंडर 4x² + 25 + 25/4 एल एन मॉड 2x + √ 4x² + 25 + some constant c। समझ में आया कि नहीं? 1/2 यहाँ क्यों डिवाइड हुआ है बात समझ में आ गई, बिकॉज ऑफ दिस 2x², और हर बार एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने 2x, बाकी ए स्क्वायर जैसा था वैसे ही हम लिखते चले गए। समझ गए कि नहीं भाई? तो अगर हमें dx/√ क्वाड्रेटिक को इंटीग्रेट करना है, तो इसी क्वाड्रेटिक को हम क्या लिख देंगे, x² + a² या x² - a² या a² - x², जहाँ पे x एक क्या होगा, लीनियर फैक्टर, सही है ना। और फिर डायरेक्ट वही जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ऊपर, अभी इन तीनों में से ही फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। अब जैसे हमें रूट अंडर x² + x+1 को इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख दें, x + 1/2 का होल स्क्वायर + √ 3/2 का होल स्क्वायर। ये अब x² + a² वाली फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अब या तो इसको टी मानू तो वही टी आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 √ x + 1/2 का होल स्क्वायर + 3/4/2 +3/4 / ln x + 1x + √ x + 1x का होल स्क्वायर + 3/4 + इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप अपना आंसर लिख देंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, ये बताओ। हाँ सर, डाउट तरीका समझे कि नहीं? तो अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो या क्वाड्रेटिक बाय रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, तो हम जो न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक है इसको लिखेंगे ए इंटू डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस सी। अब ए बी सी निकालने के लिए क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे किसके कोफिशिएंट को दोनों साइड से, x² के, x के और कॉन्स्टेंट के, तो इक्वेशन बनेगी और ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी सी आते ही आपका इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक होगा, पहले पार्ट में क्वाड्रेटिक टू कैंसिल हो जाएगा, सीधा ए का इंटीग्रेशन आ जाएगा, दूसरे पार्ट में क्या होगा बी ऊपर उसका क्या होगा डेरिवेटिव, नीचे क्वाड्रेटिक टू होगी या उसका क्या होगा रूट, सही है। और तीसरे वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। जब रूट की बात करेंगे तो पहले वाले पार्ट में ए इंटू रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाएगा जिसको आपने अभी सॉल्व किया, दूसरे वाले पार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका क्या है डेरिवेटिव है, अरे हाँ है ना, और यहाँ रूट ओवर ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो जैसे आप इस क्वाड्रेटिक को टी मानेंगे डेरिवेटिव से ये सॉल्व हो जाएगा। और तीसरे वाले पार्ट में dx/√ ऑफ क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसको आपने अभी सॉल्व करना सीखा है, तो ये सारे नॉन इंटीग्रेशन हो जाएंगे जिनको आप आराम से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस चलिए अब जरा एग्जांपल वाइज देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो
टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने, है ना, दिखा। तो सीधा हम क्या करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एडजस्ट कर देंगे। बोलिए भाई, एडजस्ट करके क्या करोगे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू टू एक्स माइनस वन और प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब ए बी सी निकालने के लिए कोफिशेंट कंपेयर करोगे, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का कोफिशेंट लोगे तो ए की वैल्यू तो टू आ जाएगी, फिर एक्स का कोफिशेंट लोगे तो माइनस ए प्लस टू भी आएगा जिसको टू के बराबर करोगे, फिर कॉन्स्टेंट लोगे तो ए प्लस सी माइनस बी, सॉरी ये वन आएगा ना, ए प्लस सी माइनस बी लोगे जो कि जीरो आएगा। अब ए की वैल्यू टू यहाँ रखोगे तो बी को तुरंत क्या लिखोगे बताओ, थ्री बाई टू क्या, और ए को रखोगे टू बी को रखोगे थ्री बाई टू तो सी की वैल्यू क्या माइनस हाफ आ रही है, चेक करो जरा। अरे हाँ ना, जवाब दो भाई। यस सर, एबीसी आ गया। अब एबीसी आते ही पूरे इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में ब्रेक करोगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस थ्री बाई टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्या है बात समझ में आ रही है? अब ये वाला तो आराम से सॉल्व होगा इंटू डी एक्स, इस वाले में आराम से इसको टी मान लोगे तो ये एल एन में आ जाएगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। और इस वाले में इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके लिखोगे तो क्या लिख दोगे बताओ, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। अब तो ये सारे इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो रहे हैं ना, ये आ गया एक्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो थ्री बाई टू एल एन मॉड के अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि इसी को टी मानेंगे। आया ना भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आई मान के अलग से सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। और माइनस वन बाई टू, ये तो टेन इनवर्स वाली फीलिंग दे रहा है ना, तो टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन बाई रूट थ्री आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री बाई टू एल एन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। हाँ या ना में जवाब दो भाई। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट, अभी भी आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या लिख देते, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस सी, फिर कंपेयर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाती, वन, एक्स स्क्वायर कोफिशेंट, फिर ए कंपेयर करते तो माइनस ए प्लस टू बी वन आ जाता, कॉन्स्टेंट कंपेयर करते तो ए माइनस बस प्लस सी की वैल्यू वन आ जाती, ए की वैल्यू वन रख देते तो क्या बी की वैल्यू भी वन आ जाती, ए वन बी वन रखते तो सी की वैल्यू भी वन आ जाती। देखिए जरा ध्यान से, सही है ना। तो पूरा इंटीग्रेशन तीन पार्ट में ब्रेक हो जाता, पहला क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, दूसरा क्या होता टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, और तीसरा क्या हो जाता डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब तो तीनों नॉन इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाते, पहला बन जाता रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन, दूसरा टी मानने वाला हो जाता रूट टी का इंटीग्रेशन, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, और तीसरा भी परफेक्ट स्क्वायर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन। हाँ या ना, इसको क्या देते आई वन, इसको क्या देते आई टू, और इसको क्या कह देते आई थ्री। तो आई वन का रिजल्ट क्या आता बताओ, इसको अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते तो एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ही तो लिखते। हाँ या ना में जवाब दो। तो ये क्या आ जाता है, एक्स माइनस वन बाई टू रूट अंडर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर अपॉन टू, फिर प्लस थ्री बाई फोर इंटू टू तो थ्री बाई एट, और यही वाला इंटीग्रेशन एल एन में लिख देते एल एन मॉड एक्स माइनस वन बाई टू और प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर प्लस सी। पहला समझ में आया कि नहीं? आई टू के लिए क्या करते भाई,
टू एक्स माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब तो रूट एक्स के इंटीग्रेशन का आइडिया हो जाना चाहिए, टू रूट पता है, तो इसका सीधे आंसर यही लिख देते हैं, टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। हाँ या ना बताओ? यस सर। क्या था, समझ गए ना? वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन करते हैं, और वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टू रूट टी। बोलो भाई। अच्छा तीसरा वाला इंटीग्रेशन कैसे होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो इसको आप आराम से वही सेम क्या बना देते, एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगा देते, तो एल एन मॉड एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, एक्स माइनस वन बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, सम कॉन्स्टेंट सी आ जाता। यही आई वन आई टू आई थ्री यहाँ रख देते और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ?